आज हम भिवंडी शहर में हैं। जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ेगी, आपकी दिलचस्पी भी आगे बढ़ जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि लोग जो है चैनल तो देखना शुरू करते हैं लेकिन आखिर तक नहीं देखते, ये शिकायत है। प्लीज़ इसे पूरा देखिए एंड तक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आज भिवंडी के बारे में आपको जो नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए हमारे साथ आज भिवंडी शहर में। अभी जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश के ज़माने का बनाया हुआ है। एक ज़माने में ये ब्रिज से ही आवन जावन था, लेकिन अब ये ब्रिज जो है सिर्फ एक ने हेरिटेज में आ गया है। इसके अलावा दो बड़े बड़े ब्रिज बन चुके हैं जो कि भिवंडी को कनेक्ट करते हैं दूसरी सिटीज़ से। ओल्ड भिवंडी एसटी स्टैंड बहुत ही बिजी एसटी स्टैंड है। लगभग हर 10 या 15 मिनट में यहाँ से बस आती भी है और जाती भी है। भिवंडी शहर का इतिहास 1857 से शुरू होता है, जहाँ पे इलाहाबाद से जो लोग आना शुरू हुए। भिवंडी जो है वो ज़्यादा करके वेयर हाउसेस में मशहूर हो गया है, यानी सबसे बड़े बड़े वेयर हाउसेज यहाँ हैं। अमेजोन कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, ये सब के वेयर हाउसेज यहाँ हैं। पैकेजिंग का काम जो है भिवंडी में पॉसिबल होता है। भिवंडी से ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरीज होती है, क्योंकि यहाँ पे रखने रखाने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतरीन और एकदम यानी नॉमिनल प्राइजेस में अवेलेबल है। एक कल्चर और डेवलप हो गया है भिवंडी के अंदर, वो है भिवंडी ढाबा। छोटी मोटी जो पार्टी या गैदरिंग होती है तो अक्सर जो है भिवंडी ढाबे को प्रेफर किया जाता है। कई ऐसे ढाबे जो बहुत ही मशहूर हो गए। और ये जो कस्बा है, ये कस्बा पहले इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता था, बाद में भीमवाड़ी हुआ, भीमड़ी हुआ, और आज की तारीख में ये शहर भिवंडी के नाम से जाना जाता है। ये शहर पहले जब 1857 की पहली जंग आज़ादी हुई और जुलाहों का अंगूठा जब इलाहाबाद फूलपुर में इलाहाबाद में जब काटा जाने लगा, उस वक्त वहाँ से काफिले की शक्ल में जो लोग आए, बुरहानपुर में कयाम हुआ, मालेगांव में कयाम हुआ, इस्लामाबाद कस्बा इस्लामाबाद में कयाम हुआ, और आखिरी काफिला इसका मुंबई मदनपुरे में इख्तिताम हुआ। यहाँ की जो बोली है, ये बोली अगर आप देखेंगे तो मदनपुरे से भिवंडी, भिवंडी से मालेगांव, बुरहानपुर और इलाहाबाद तक के एक ही बोली, जिसे आम तौर से लोग तोका मुका की बोली बोलते हैं, ये हमारी लोकल लैंग्वेज है और हमें फ़ख्र है कि हम उस ज़बान को कायम रखे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हज़रत हाफिज़ी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है, जिनका उर्स मुबारक मार्च के महीने में आता है। डेट कुछ डिक्लेयर नहीं है लेकिन मार्च में ही होता है। ये करामत ये है कि ये बीच रास्ते के बीच में आराम फरमाए और यहाँ पर खिदमत में हमारे दादा दादा के चाचा थे, और लगभग 150-200 साल पुराने ही है ये, यहाँ पर आराम फरमाए। और बस इनका ही सब कर्म है, इनकी दुआ से सबकी मंगतों की झोलियाँ भरती है। इनकी दुआ की बदौलत कोई यहाँ से ना उम्मीद नहीं जाता है, सबकी मुरादें पूरी होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर आते हैं, सबकी एकता ही है और बस इनका यही कर्म है। अभी जो आप देख रहे हैं ये नदी नाका इलाका कहलाता है, और अक्सर यहाँ पे बारिश के दिनों में फ्लड हो ही जाता है। पानी इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि घरों में घुस जाता है पानी। गुलजार कोल्ड ड्रिंक हाउस जाना माना कोल्ड ड्रिंक हाउस है, लेकिन बहुत ही पुराना है, तकरीबन 60 साल पुराना है ये। तो यहाँ पे कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि अपनी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए यहाँ कोल्ड ड्रिंक हाउस में ज़रूर आते हैं। यह खेत था तो उधर ये मंदिर बांधा कवेली का था, और बाद में 1936 में ये प्लॉट एन ए किया, प्लॉट एन ए किया। बाजू में जो रोड गया था वो आगरा रोड था। हैंडलूम की सनत कायम हुई, उसके बाद में जब आगे जब तरक्की हुई तो हमारे शहर के हाजी अब्दुल समद सेठ, जिन्हें आमतौर से हम समद सेठ के नाम से जानते हैं, उनका एक नारा था कि सोना बेचो लोहा खरीदो। उसके बाद हैंडलूम ख़त्म करके लोग पावरलूम की तरफ कन्वर्ट हुए,
अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हलाल रोज़ी लोग खाते रहे, कमाते रहे। बाद में जब इस सनत के अंदर पावर के अंदर जब चोरी शुरू हुई तो मैं समझता हूँ वहाँ से बरकत भी ख़त्म हुई। जो कपड़ा अपन पहनते हैं उसके लिए यहाँ पे भीम तैयार होती है। यह वार्पिन पे जब रोल बन के आता है पहले वहाँ लगता है, फिर इस पर कांजी तार पर कांजी लगाई जाती है और इसके बाद वो भीम तैयार होती है जो कि लूम पे जाके फिर उधर से लूम का कपड़ा तैयार होता है, उसके बाद डाइंग में जाके डाइंग होकर मार्केट में बिकता है। ये जो मस्जिद आप लोग देख रहे हैं सुन्नी जामा मस्जिद इस्लामाबाद, ये मस्जिद 350 से 400 साल कदीम मस्जिद है जिसे हमारे पुरखों ने हमें इस तरह बताया कि ये मस्जिद शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों की बनाई हुई मस्जिद है। और तब से लेकर के आज तक ये मस्जिद इसी तरह माशाल्लाह कायम है और पंच वक्त नमाज यहाँ पर होती है। कदीमी तवारीख के अंदर आता है कि कस्बा इस्लामाबाद राइजुल वक्त सिक्का, शिया लोगों का जो निकाह नामा है उसके अंदर इसका जिक्र आता है कि ये मस्जिद काफ़ी कदीम है। ये वरला देवी टेंपल की है, वरला देवी मंदिर की है, इससे कनेक्टेड ही वरला देवी तालाब भी है और यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है जो कि 60 फीट हाइट में है। ये दीवान शाह दरगाह की तस्वीरें हैं और जो उससे लगकर है ये दीवान शाह तालाब है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये ईदगाह की है, इसको एक्सटेंड किया गया है, ईदगाह को और भी बड़े पैमाने पे इसको बनाया गया है और बहुत ही प्यारा कलर भी लगाया गया, आप देख सकते हैं। ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी टाउन स्टोरीज़ की तरफ से भिवंडी के लिए। भिवंडी की जो जानकारी आपने हासिल करी, प्राप्त करी, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस डॉक्यूमेंट्री टाइप में आपको बना के हम पेश करते जाएं और आपकी तरफ से ये रहेगा कि आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जैसे जैसे जितना भी आप इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे ना तो आपको नई नई जगह की जानकारियाँ हम देना शुरू कर देंगे।